नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं GVN 24। भुवनेश्वर से बड़ी खबर आ रही है, जहां गहरे अवतव के कारण दक्षिण ओडिशा में मंगलवार को भारी बारिश हुई है। बारिश के दौरान सड़कें बह गई, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और कई इलाके जलमग्न हो गए। मलकानगिरी, कोरापुट, कंधमाल, रायगढ़, गजपति और गंजाम जिले प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिले मकानगिरी, कोरापुट और गंजाम में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो वही अधिकारियों ने बताया कि मकानगिरी को कोरापुट से जोड़ने वाली सड़क कई स्थानों पर बह गई है, जिससे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क बाधित हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। क्षेत्र में नदियों उफान पर है और उन पर बने कई पुल डूब गए हैं। जल भराव के कारण कई गांव अलग थलग हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए ओडिशा आपदा त्वरित प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और ओडिशा अग्निशमन सेवा को तैनात किया गया है। विभाग ने कहा कि ये तूफान उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर से बढ़ेगा तथा कमजोर होकर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। ओडिशा में बुधवार तक भारी बारिश के आसार हैं, हालांकि इसकी तीव्रता में कमी आई है। तो वहीं लगातार भारी बारिश के कारण दक्षिणी ओडिशा, विशेषकर कोरापुट और मलकानगिरी में बाढ़ की स्थिति खराब हो गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी के साथ मैदान में उतरे। बता दें कि अब उभरते संकट पर बारीकी से नजर रखने के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GVN 24।